हेलो फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 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 कुछ रेलवे की धमाकेदार यहाँ पे पोस्ट कुछ आ चुकी हैं। और ये रेलवे की आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको 28 तारीख को आ चुका है, यानी कि कल ही तो आया है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 1 तारीख यानी आज से एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं, और इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये लास्ट डेट इसकी है यहाँ पे 31 तारीख, यानी कि 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो पूरी वैकेंसी है 35,277। जी हाँ, आपने सही सुना, 35,277 पोस्ट यहाँ पे आ चुकी हैं। अब अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जूनियर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अकाउंटेंट, जूनियर ट्रेन क्लर्क, टिकट कलेक्टर या टिकट क्लर्क जो भी है, तो यहाँ पे इतनी सारी पोस्टें आ चुकी हैं। ये 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल दोनों की हैं, तो इसको दोनों लोग ही भर सकते हैं। जो 10+2 है वो भी भर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन है, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी वो नौकरी पाने का ये सुनहरा अवसर है, इसको ये कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं इसमें पे स्केल की बात करते हैं, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पे स्केल है 19,900, और अकाउंटेंट क्लर्क टाइपिस्ट 19,900। और उसके बाद अगर दूसरी अगर बात करते हैं सबकी, जितना की 7 पे स्केल है, 7 CPC के अकॉर्डिंग ये सारी जितने आप यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, तो इसको आप केयरफुली देखिए। और उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इसमें, इसकी अब सिलेबस की बात कर लेते हैं खटाक से। जो सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपके मैथमेटिक्स आएगा, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, यानी कि यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो जो इसका ड्यूरेशन होगा, टाइम ड्यूरेशन, ये 90 मिनट का होगा, यानी 19 मिनट का होगा। इसमें से GK के क्वेश्चन यानी जनरल अवेयरनेस रहेंगे 50 क्वेश्चन, और मैथ के रहेंगे आपके 50 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, और आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, अगर रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग रहेंगे, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में होंगे। टोटल 120 एग्जाम होंगे, ये बात एकदम याद रखिएगा। और इसकी अब सिलेबस की खड़ाक से हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में क्या क्या रहेगा, तो मैथ्स में ये सिलेबस आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड परसेंटेज, मेंसुरेशन भी रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, एलिमेंट्री एलजेब्रा रहेगा, और ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जितने भी इसमें मैथ के सिलेबस आप देख रहे हैं वो केवल 10th लेवल के ही हैं और उससे ऊपर के नहीं है। अगर हम खड़ाक से देख लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं, इसमें जो रीजनिंग आप सब जगह पढ़ते हो, जनरली ज़्यादातर एग्जामों में रीजनिंग आजकल इंपॉर्टेंट भी है, सारे एग्जामों में पूछता है, नॉन मैथ में, मैथ या नॉन मैथ जो भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में पूछता है। इसमें तो आप देखोगे डिकोडिंग डिकोडिंग ये सब है, डाटा वेन डायग्राम हो गया, है ना, जम्बलिंग हो गया, जम्बलिंग वर्ड है ना, स्टेटमेंट, ये सब सारे सारे इससे क्वेश्चंस आएंगे। अब अगर हम जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस की बात करें, क्लास 10 तक की आप पूरी साइंस पढ़ लीजिए और आपका आधा मतलब कि कुछ परसेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ 10th यहाँ लिखा है 10th अप टू 10th CBSE, यानी यहाँ पे आप ध्यान से देख देख पा रहे हैं कि ये 10th CBSE तक का ये है यहाँ पे आपका, एक सेकेंड इसके लिए सॉरी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10th क्लास तक का आपका क्या है, साइंस आप पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, फ्रीडम स्ट्रगल्स, ये सब मतलब कि हिस्ट्री से भी, यानी कि आपको इसमें GK का तो कोई वो ये नहीं है कि हाँ इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो अनलिमिटेड रहता है, जितना पढ़ लो उतना कम ही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये कैसा लगा आपको मेरी वीडियो, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।